श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन और निर्देशन में डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस यूनिट, डिस्ट्रिक्ट स्क्वाड यूनिट, थाना सिविल लाइंस और थाना बन्ना देवी की संयुक्त एक टीम ने एडवांस्ड साइबर क्राइम करने वाले एक गिरोह को पकड़ा है। और इस गिरोह ने अलीगढ़ में ऐसे अलीगढ़ और कई बाहर के स्टेट्स में लाइक उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कई स्टेट्स में इन्होंने इस तरह का फ्रॉड किया। कई गरीबों के बैंक अकाउंट्स और उनकी डिटेल्स को इस्तेमाल किया, उनको मोहरा बना के उनके अकाउंट्स के थ्रू इन पैसों को निकाला और इन पैसों को अलग अलग माध्यम से यहाँ से बाहर भेजा गया। कितने पैसे होंगे तकरीबन? आज जो रिकवरी हुई है 19 लाख कैश की रिकवरी इनसे मौके पे हुई है। और इनके पास अलग अलग बैंक अकाउंट्स के लगभग 10 पासबुक, लगभग 10 अलग अलग चेकबुक्स, एक बेलिनो कार, 5 मोबाइल और कई पहचान पत्र जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड इत्यादि शामिल। किस तरह ये लोग जो है साइबर ठगी करते थे? जो इनका पूरा मॉडस ऑपरेंडी है वो मैं आपको बड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। हमारे पास आज जो तीन हिरासत में तीन लोग हैं, एक मनीष है जो कि नासिक के रहने वाले, एक कशिश है जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। ये दोनों बाहर से ही, एक अर्शद नाम का क्वारसी का रहने वाला व्यक्ति है, वो अर्शद व्यक्ति लोकली अलीगढ़ में इन्हें बैंक अकाउंट्स प्रोवाइड करता था। बैंक अकाउंट का मतलब कुछ वो इंटरेस्टेड लोग, कुछ गरीब लोग जिन्हें प्रलोभन दे के या जिन्हें झांसा दे के उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक बैंक पासबुक, चेकबुक वगैरह ले लेना। और जब साइबर फ्रॉड ये करते थे, साइबर फ्रॉड जैसा कि हम अलग अलग तरह के साइबर फ्रॉड देखते ही हैं, फिशिंग, टारगेटेड फिशिंग, ये बता देना कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो रहा है, ये बता देना कि आपका बैंक पेटीएम बंद हो रहा है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा डबल करने की स्कीम, इस तरह के कई तरीक़ों से इन्होंने साइबर फ्रॉड किया, कई करोड़ों रुपये लोगों से ठगे। और इन पैसों को इन्होंने, ये जो बैंक अकाउंट जो मैं बता रहा हूँ जो यहाँ इन्हें अर्शद प्रोवाइड करता था, उन बैंक अकाउंट में ये पैसे, उस पैसे को सबसे पहले लेते थे। जैसे कि वो एक फेस हो गया, फर्स्ट फेस हो गया अकाउंट का, उस पैसे को ये उसी जो गरीब व्यक्ति जिसको इन्होंने फंसा रखा है उसके साथ जाके बैंक अकाउंट, बैंक ब्रांच में जाके चेक के माध्यम से निकाल लेते थे कैश। उस कैश को लेके ये लोग दिल्ली चले जाते थे, दिल्ली में उस कैश को डॉलर में कन्वर्ट किया जाता था, उस डॉलर को लेके फिर ये हैदराबाद का इनका एक गैंग और है जो इन्हें फाइनली उस अमाउंट को क्रिप्टो करेंसी में रख कर, और पूरा जो हमारा एक फॉर्मल बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम है उस पूरे सिस्टम से एक तरह से इस पैसे को गायब ही कर दिया जाता था। कितने लोग कितना ट्रांजेक्शन किया? तो जो मैं आपको मनीष और कशिश बता रहा हूँ, ये पिछले 15 से 20 दिनों से अलीगढ़ में हैं। इन्होंने अलीगढ़ के ही कुल 35-40 बैंक अकाउंट्स मिला के, बैंक ब्रांचेस मिला के लगभग 1.5 से 2 करोड़ का यहाँ कैश निकाल के और बाहर भेज दिया। अभी ये लोग इसी प्रक्रिया में थे और हमारी मुखबिर की जानकारी और टीम की सतर्कता की वजह से इन्हें जो है कल 19 लाख की कैश की रिकवरी के साथ। पूछताछ में ऐसा कुछ इन्होंने कबूला है कि आउट ऑफ इंडिया इनका कोई सर्किल है या किस तरीके से पैसे को मैनेज करते? अभी जो प्रथम दृष्टि पूछताछ में जहाँ तक का लिंक है वो मैंने आपको बता दिया है, हैदराबाद की क्रिप्टो करेंसी। उसके बाद का जो भी लिंक है वो आगे की इंट्रोगेशन में और आगे की कार्रवाई में जैसे जैसे अभियुक्त गिरफ्तार होते चलेंगे और इस पूरे गैंग का पर्दाफाश होता चलेगा। आउट ऑफ इंडिया से जुड़े कुछ लोगों के नाम भी सामने आए? अभी तक ऐसा कुछ नहीं पुष्टि की जा सकती, जो आगे इंट्रोगेशन में सामने आएगा आपको उससे अवगत करें।